बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह सफ़र नंबर 16 से अलरूफ़ुल कमरिया व शमसिया। बिस्मिल्लाह जी करें। सर, जी सर, ये पूरा पढ़ो सर। अभी जी पूरा पढ़ें। पढ़ें। एक थोड़ा ज़ूमिंग करिए ना सर। आपके पास लैपटॉप नहीं है वैसे? मैं इंशाल्लाह कल से अरेंज कर लूंगा। चलो ठीक है। पूरा हेडिंग के साथ पढ़ना है सर। जी सारा पढ़ना है। अल हुरूफुल खमरियतु बल हुरूफ शमसियतु। ठीक है। उतना ही है सर। अल हुरूफ खमरियतु अरूफुल कमरिया वो है जिनमें लाम को आपने पढ़ना है, अरूफुल शमसिया जिनमें लाम साइलेंट होगा। सर। अल अबू, इसका मीनिंग बाद में देखेंगे सर। अभी मर्जी है, देखने तो देख लें वरना मैं को मसला नहीं। अल अबू फादर है क्या? द फादर। ठीक है नेक्स्ट। अल बाबू अल जन्नतु, जन्नत है ना सर, पैराडाइज। जन्नत पैराडाइज। जी अल हिमारू अल खुब्जू, खुब्जू ब्रेड है क्या सर? ब्रेड। अल आइनू आंख, दी आई। अल गदावू, गदावू क्या है सर? लंच लंच जी सर, लंच लंच। लंच ओके जी। अल फमू द फेस, माउथ माउथ। ओके। अल खमरू अल कल्बू अल माऊ अल वलदू अल हवाऊ, अल हवाऊ सर एयर एयर। एटमॉस्फेयर एयर। अच्छा, दुआ बोल सर। अल यदू चेहरा है क्या सर? हैंड अल यदू हैंड। अल यदू हैंड। ओके सर। अत्ताजिरू द मर्चेंट। असौबू, असौबू क्या है सर? क्लॉथ कपड़ा। क्लॉथ। ओके। अद्दीकू अज़हबू, ज़हब सर, गोल्ड। गोल्ड अर्रजुलू अज़हरतू, ज़हरतू ज़ुहर है फ्लावर क्या? फ्लावर फ्लावर। अस्समकू द फिश, अशमसु अस्सदरु, अस्सदरु सीना है चेस्ट। क्या सर? चेस्ट। या अज़ाइफू, ज़ाइफू जी सर, गेस्ट। गेस्ट। अतालिबू अज़हरु, ज़हरु बैक क्या है? अज़हरु बैक, मीन बैक। बैक कमर बोल सकते हैं सर। बिल्कुल कमर। अल्लहमु मीट, अन्नजमो स्टार। तमरीन सर, इससे पहले तमारीन आया था, अभी तमरीन आ रहा है। वहां पे तो एक ही एक्सरसाइज था, मतलब एक के बाद एक एक्सरसाइज थे क्या सर वहां पर? तमरीन एक्सरसाइजेस प्लुरल वर्ड है। तमरीन वर्ड है, इसका मतलब एक्सरसाइज। जी, वहां पे क्यों यूज किए थे सर तमारीन करके पूछ रहा हूँ। वहाँ पे ज़्यादा एक्सरसाइजेस थी इसलिए हमने तमरीन लगाया था। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसलिए हमने तमरीन लगाया। ओके। इखराल कलिमातु क्या है? अलतीय तू, आतियता इकरा इल इकरा कलिमातिल आतियता। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। वक्तुबहा, अक्तूबर मराइयन कवाइदा नुत्किल हरूफुल कमरिया वशमसिया। इसका मीनिंग बाद में देखें सर, अभी पढ़। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम। वक्तुबा एंड राइट राइट देम देम, मरा यन कीपिंग इन माइंड कवायद रूल्स नुतुक रूल्स। प्रोनाउंसिएशन। कीपिंग इन माइंड द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ हरूफ अल कमरिया एंड हरूफ शमसी। अच्छा सर, इसमें रूल जेर नहीं है जबर जो मतलब कभी पेश लग रहा है कभी जेर लग रहा है ना, वो
वो आगे के क्लास में आएगा सर वो, ठीक है वो आगे आएगा। तो, अभी बस ये याद रखिए जब शुरू में अलिफ लाम हो तो लास्ट की आखिर में एक दम्मा लगा दें बस ये। ओके सर। अल बैतु अद्दीकु अल मुदर्रिसु अल बाबु अत तालिबु अस सुक्करु अद दफ्तरु अल मुदर्रिसु। अजान हो रही है जरा होल्ड करें दे। ठीक है जी सर। जी सर। जी पढ़े आगे। जी सर। सर इसमें एक डाउट है, जैसा जो है हम अगर अल लगाते हैं अल बैतु ऐसा, तो जो ऑब्जेक्टिव्स है मफ्तूहुन उनको अल नहीं लगाना करके कल हम पढ़ रहे थे नोट के अंदर, जैसा अल बैतु मफ्तून है, द हाउस इज ओपन है ना सर, अगर मुझे ऐसा बोलना है द ओपन हाउस करके तो उसको अल मफ्तूह बैतुन लिख सकते हैं क्या, पढ़ सकते? नहीं उसमें होगा अल बैतुल मफ्तूह, उसमें फिर उसकी जो क्वालिटी होगी उसके साथ भी हम अलिफ लाम लगा देंगे। अच्छा तो वो सिर्फ अभी प्रेजेंट के लिए था क्या सर, अभी एडजेक्टिव्स के लिए अल लगाने की जरूरत नहीं है ऐसा करके? हाँ वो ये मतलब के लिए लिखा था कि उसके मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्ज किया ये लफ्ज मैं लिखता हूँ ना अभी भाई तुन, क्या मतलब है इसका? हाउस, अ हाउस, अ हाउस, अ हाउस। अच्छा जी जमीलुन का क्या मतलब है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें आपने आ का मतलब नहीं किया, क्या नहीं किया आ का मतलब? ये जो हमने इधर ऊपर वाले लफ्ज में देखे तनवीन की ट्रांसलेशन हमने क्या की है आ ही किया ना, लेकिन जमील उनमें हमने तनवीन की ट्रांसलेशन नहीं की, सही हो गया? जी। अल बैतु का क्या मतलब है? दी हाउस, दी हाउस। अल जमीलू दी ब्यूटीफुल, सिर्फ ब्यूटीफुल। इसमें भी जब क्वालिटी आ जाती है ना तो फिर हम इस अल का और तनवीन का ट्रांसलेशन नहीं करते, वो ये बात। अच्छा। सिर्फ ब्यूटीफुल रहेगा सर ये? सिर्फ ब्यूटीफुल रहेगा। अच्छा तो अगर ब्यूटीफुल हाउस बोलना है तो हम बोलेंगे अल बैतु
बैतुल जमील, अल बैतु जमीलुन, उसमें जमील के अल साथ अलिफ़लाम नहीं लगेगा क्योंकि वो खबर है, वो खैर बाद की चीज़ है, बस आप यूँ सिंपल कहेंगे अल अच्छा बैतु जमीलुन। ठीक है, अल बैतु जमीलुन का मतलब है द हाउस इज ब्यूटिफुल। करेक्ट, जी सर, आगे पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी सर, अल बैतु अद्दीकु अल मुदर्रिसु अल बाबू अत्तालिबु अस्सुकरु अद्दफ्तरु अल अखू। अखू क्या है सर? अल अखू दी ब्रदर, ब्रदर। ओके, अर रसूलु अल वजहु फेस वजहु, ठीक है। अस्सदीखु सदीखु दी फ्रेंड, फ्रेंड। अच्छा, अखू भाई है और सदीक फ्रेंड हाँ जी। है। अल कुरानु दी कुरान, असलातु क्या ऐसा सलात है, नमाज है ना सर। आवाज हो गई, ठीक है। अल काबतु अर रासु, रासु क्या है सर। हेड सर, सर अल इजबा, ये क्या है सर। फिंगर, टोपी, फिंगर, साबुन टोपी है, साबुन। बिल्कुल, सोप, अज़फ़रु ये सर, नाखून, नेल, नाखून। अल्फ़जरु अज़हरु अल असरु अल मगरिबी, मगरिबी है सर, अल-मग़रिब, शुरू में अलिफ लाम से। अल-मगरिबु। जी, अलिशाउ अद्दरसु रबीउ। इन दिस लेसन वी विल लर्न सर, थोड़ा ज़ूम इन करें ना सर, और थोड़ा ठीक है, और थोड़ा सा। जी सर, शुक्रिया। इन दिस लेसन वी विल लर्न द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। अरबिक प्रेपोजिशन और नाउन्स हैव, प्रिपेयर कहते हैं, ठीक है। जी सर प्रेपोजिशन को अरबी में हर्फे जर कहते हैं, हरफे जर। जर। ओके, हरफे जर ठीक है। द नॉर्मल एंडिंग ऑफ अ नाउन इज उ, यानी दम्मा है ना दमा, सर। हाँ, यानी वो जी ये कह रहे हैं कि अरबी में हर लफ्ज के आखिर में जो आम हालात में हरकत होती है वो है दमा। जी द हाउस इज न्यू अल बैतु जदीदुन। अ नाउन विद द नॉर्मल एंडिंग इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। इन अरबिक इट इज कॉल्ड मरफून। मरफून क्या बोल रहा है सर यहाँ पर। जिस लफ्ज़ के आखिर में दम्मा होती है उसको हम मरफू वर्ड कहते हैं। ओके, यानी जैसा बैतून हो गया। बिल्कुल, बैतुन मरफू है, जदीद उन मरफू है, किताब उन मरफू है, क्योंकि ये आखिर में दम्मा है। जी, आफ्टर अ प्रीपोजिशन दिस एंडिंग चेंजेस टू कसरा है ना सर। ठीक है, यानी कि जब हरफे जर लगा देंगे साथ तो फिर आप दम्मा नहीं लगाएंगे बल्कि कसरा लगाएंगे लफ्ज के आखिर में। ओके, अल बैतु द हाउस, फिल बैती इन द हाउस, बैतुन हाउस, फी बैतुन इन द हाउस। अच्छा, तीन इन, कस जड़ की जी वजह जी से, जी तो इन ए हाउस आएगा। ठीक है, अल मकतबू द डेस्क द टेबल, द डेस्क। अल मकतबू ऑन द टेबल, अलल मकतबी है सर। मकतबी, जी, अल मकतबी ऑन द टेबल। अ नाउन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन जेनेटिव केस। इन अरबिक मजरूरुन। मजरूर, यानी कि जिसके आखिर में दम्मा होगी उसको मरफू कहेंगे और जिसके आखिर जी में कसरा होगी उसको मजरूर कहेंगे, ये भी याद रखें आप। ओके सर, इन दिस लेसन वी ऑल्सो लर्न द टू प्रोनाउंस हुआ ही इट एंड हिया शी इट। अच्छा, ही के लिए हुआ आएगा और इट के लिए भी आएगा। ठीक है सर। इन अरबिक ऑल नाउन्स आर एदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन। अ मस्कुलाइन नाउन इज रिफर्ड टू बाय द प्रोनाउन हुआ।
whether it denotes a human being or an animal or a thing. Example, Ainal Waladu. अच्छा ठीक है, वेयर इज द बॉय, आईना, वेयर, ये आईना नया वर्ड है ना सर अभी फिल्म, बिल्कुल आईना मीन वेयर, वेयर इज द बॉय, हुआ फिल मस्जिदी, ही इज इन द मॉस्क, हुआ यूज हुआ यहाँ पर, बिल्कुल जी ही इज इन द मॉस्क, द वर्ड फी हैज अ लॉन्ग आई, द डिस्कसर, या मदा, इस लॉन्ग ई से मुराद होता है या मदा, अच्छा ठीक, या मदा, बट व्हेन इट इज फॉलोड बाय अल, the ya madda is shortened because in arabic long vowels are not followed by a consonant which has no vowel, fil fil ho jayega fil, pehle mein fi to se lamba hai, jab alif lam hoga to fir chota hoga, acha acha acha, ainal kitab, where is the book, huwa alal maktabi, it is on the table, and a feminine noun is referred to by the pronoun hiya, whether it denotes a human being or an animal or a thing. Example, aina aminatu, where is amina, hiya fil baiti, she is in the house, aina saatu, where is the watch, saatu watch hai, hiya alas sariri, it is on the bed, yes it is on the is on the bed. Most feminine nouns end with a round ta, but there are some which do not have any ending. ये पहले मोनस की निशानी है कि जिस लफ्ज के आखिर में गोल ता हो वो मोनस लफ्ज होता है. जी. We have learned that the tanween is the indefinite article. Example, baituna house. This rule does not apply to proper nouns. So hamidun is just hamid, not हामिद. एक क्या है सर? We have learned that tanween is indefinite article. अच्छा वो ये कह रहा है कि नकरा अल्फाज को शो करने के लिए हम उसके आखिर में तनवीन लगाते हैं, यानी कि जिस लफ्ज के साथ भी तनवीन होगी वो क्या होगा? नकरा लफ्ज होगा. लेकिन जो प्रॉपर नाम है, हामिद, अली, मोहम्मद, उमर, इस किस्म के जो प्रॉपर नाम है, जिना हो गया, इन सब के साथ तनवीन लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नकरा नाम है, वो मारफा ही रहेंगे बेशक उनके साथ तनवीन लगे या ना लगे. ठीक है. अच्छा ठीक ठीक है. Feminine proper nouns have no tanween. Aminatu, Zainabu, Fatimatu. Example. याद कर लें कि जो भी मोनस नाम होगा उसके साथ तनवीन नहीं लगानी. और कौन सा नाम मोनस होना चाहिए, यानी कि मार्फा मोनस का है, डेफिनेट मोनस का है, उसके साथ तनवीन नहीं लगती, नकरा के साथ लग जाती है. जी. अला ऑन समाउस काई, अल फसलू क्लासरूम, अल मिरखादू टॉयलेट, आईना वेर, गुरफतुन रूम, अल हमामो बाथरूम, अल मतबखो किचन, फी इन. एक्सरसाइज. पढ़े आगे. अल बैतु फिल बैती, इन द हाउस, अल मस्जिदु फिल मस्जिदी, अल मक्तबु अल अल मक्तबी, अल सरीरु अल सरीरी, आईना मुहम्मदिन, वेर इज आईना मुहम्मदुन, वेर इज मुहम्मद. इसको कुछ मैच करना है क्या सर? नहीं नहीं, आपके जवाब लिखा हुआ है, हुआ फिल गुरफती. जी, हुआ फिल गुरफती. He is in the ghurfa, the room hai kya sir? Correct. He is in the room. Wa aina yasirun, and where is yasir? Huwa fil hammami, he is in the hammam. Wa aina aminatu, and where is amina? Hiya fil matbakhi, she is in the kitchen. Aina ainal kitabu, where is the book? Huwa alal maktabi, it is on the table. So aina saatu, and where is saatu kya hai sir? Ghadi. Ghadi. And where is the watch? Hiya ala sariri,
इट इज ऑन द बेड. तमारीन अजीब अनिल असिलतिल अति अति आती 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 आती. उसका मीनिंग क्या है सर? अजीब का मतलब जवाब दो. ये फेली अमर है हुक्म दे रहा हमें कि जवाब दो. अच्छा अनिल अच्छा असिलतिल आतिया, नीचे दिए गए सवालों के मुतल्लिक, कह रहे हैं अच्छा सवालों के मुतल्लिक जवाब दो. जी. आइनल किताबा वेयर इज द बुक. आइनल किताबू, जब शुरू में अलिफ लाम हो तो आखिर में दमा होती है. ओके ओके. आइनल किताबो वेयर इज द बुक. टेबल हिया अलल मकतबू. हुआ आई अलल मकतबी, किताब मुजक्कर है, इसके साथ गोल ता नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है ये मुजक्कर है, और मुजक्कर जी के लिए हुआ लगाते हैं. अलल मकतबी, अरफे जर आला ने मकतब को कसरा दे दिया. जी वो अलल मकतबी. आईना मोहम्मद उन वेर इज मोहम्मद. हुआ फिल मस्जिदी हुआ इज फिल इन द मॉस. मस्जिद, करेक्ट है सर. सही. आईना सातु वेर इज द वॉच. वॉच, वॉच ही है ना सर? करेक्ट. हिया अलस अलल मकतबी. इट इज ऑन द टेबल. हिया अलल मकतबी. ठीक है, आईना यासिर उन वेर इज यासिर. हुआ फिल बैती. चलो ठीक है. आईना आमिनतु. हिया फिल कुछ नाम यहाँ पर. या फिल मतबखी. ठीक है, आमिना तो फिल गर्फती रूफ गर्फती गर्फती इज आमिना इन द किचन. रूम, नाम गुरफा रूम को कहते हैं. रूम. अच्छा नाम काफी है ना सर? या और आगे? पूरा कह रहे तो बेहतर है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना, वैसे हम सीख लाते रहे हैं. काफी. या नाम ना नाम आमिनतु फिल गुरफती. नाम ही या फिर गुरफती. अच्छा अच्छा ठीक सी बोलना है. ठीक है तो ऐसा बोल सकते हैं सर एस शी इज इन द रूम. नाम लेने की जरूरत नहीं है ना सर? बिल्कुल, नाम की जरूरत नहीं है, बस सिंपल कहते हैं हमने नाम ही या फिर गुरफती. या फिल गुरफती. यासिरुन फिल मतबखी. इज यासिर इन द किचन. इन द किचन इज यासिर इन द किचन. ला हुआ फिल गुरफती. मन फिल गुरफती. हु इज इन द किचन. आमिना तू फिल गुरफती. ठीक है, करेक्ट ठीक है सर? व मन फिल हमामो. एंड हु इज इन द हमाम. यासिरु यासिरुन फिल हमाम. माजा अलल मकतबी. व्हाट इज ऑन द टेबल. सातु अलल मकतबी. द वॉच इज ऑन द टेबल. माजा अल सरीरी. व्हाट इज ऑन द बेड. अल किताबु अलल अल सरीरी. इकरा वक्तुब मा जब्ती अवाखिर कलिमाती. 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 अल मुदर्रिसु. अलमदरसतु, अल मदरसा. तो आखिरी में दुआ है. ठीक है सर. अल मदरसा तो फी मदरसती. फिल फिल्म बैती. रस्ते. फिल मदरसती. मैं क्या बोल रहा था सर? आपने फी अल मदरसती पढ़ा था ना, मुझे ऐसी याद अच्छा है. अच्छा ओके. अच्छा. फिल मदरसती. फिल बैती. अल बैतु. अल गुरफतु. अल हमामु. फिल मतबखी. अल मकतबू. अलल मकतबू. अलल मकतबी.
अलल कुर्सी असरीरू अलल किताबी फिल मस्जिदी। अच्छा या बन देखें, अलल कुर्सी ये जो लफ्ज या होती है ना दो नुक्तों वाली, इसके जी साथ सर ये अगर लफ्ज के आखिर में हो तो उसके साथ हम ना तो कसरा पढ़ते हैं ना दम्मा पढ़ते हैं, अगर फतह हो तो हम उसको पढ़ लेते हैं लेकिन कसरा और दम्मा नहीं पढ़ते, तो हम सिंपल कहेंगे अलल कुर्सी। अच्छा ठीक है सर, अलल कुर्सी कहेंगे खैर। बिल्कुल जी अलल कुर्सी। अत्तालिबु फिल जामियतु, द स्टूडेंट इज इन द जामियत, जी द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी है जामियत। अर रजुलु फिल मस्जिदी, द मैन इज इन द मॉस्क। आयना ताजिरु वेर इज द मर्चेंट हुआ फी दुकानी, ही इज इन द शॉप। अल कलमु अलल मकतबी, द पेन इज ऑन द डेस्क टेबल। आयना زينب وير از زينب هي في الغرفه شي از ان ذا روم اين الورق اين الورق وير از ذا بيبر هو على المكتب اٹ از اون ذا ٹیبل ٹیبل اين المدرس یہ مدرس پڑھنا ہے نا سر بالکل اين المدرس مدرس جی وير از ذا ٹیچر هو في الفصل he is in the firstly kya hai sir class he is in the class aina yasir where is yasir huwa fil mirhadu mirhadi mirhadi he is in the mirhad toilet sir haan ji toilet ash-shamsu wal khamaru fi samai the sun and the moon are in the sky. ठीक मन मन फिस मन फिल फसली who is in the class who is in the class मोहम्मदुन बस जवाब है खाली पढ़ने वाला सवाल जी मोहम्मदुन खालिद जी सर आपको ये स्क्रीन करना आती है जी जी आती है सर ठीक है आप जरा अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करें